अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको फैसलाबाद की जॉब के बारे में बताएंगे। ये जॉब सिविल कोर्ट फैसलाबाद में आई है और इस जॉब की जो लोकेशन है वो आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो पब्लिशिंग डेट है वो 1 मई 2020 है इस जॉब की, और जो इस जॉब की अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 15 मई 2020 है। और इस जॉब का जो एड है वो द न्यूज़ के न्यूज़पेपर में आया है। और अब हम आपको बताएंगे जो इसके लिए असामियाँ खाली हैं, वो पहले नंबर पे तामील करिंदे की खाली है असामी। ये इसका मैट्रिक कम से कम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, डोमिसाइल फैसलाबाद का हो, और बुनियादी स्केल 7वां और उम्र की हद 18 से 25 साल होनी चाहिए, और तादाद असामी यानी कि 6 असामियाँ इसकी खाली हैं। दूसरे नंबर पर चौकीदार सेहतमंद पढ़ना लिखना जानता हो, रिटायर्ड फौजी को तरजीह दी जाएगी, और डोमिसाइल फैसलाबाद का बना हो, और बुनियादी स्केल इसका 3rd है, उम्र की हद 25 से 45 साल होनी चाहिए, और तादाद असामी 1 यानी कि इसकी 1 असामी खाली है। पढ़ना लिखना मुतलका काम जानता हो और डोमिसाइल फैसलाबाद का हो, जिसका बुनियादी स्केल 3rd है, उम्र की हद जो 18 साल से 25 साल हो, और तादाद असामी इसकी भी 1 असामी खाली है। और नीचे ये कुछ नोट है, आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं मज़ीद। और ये गवर्नमेंटी जॉब है और इसकी जो जॉब की लोकेशन है वो यूनिवर्सिटी रोड फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान है, और इसकी जो सैलरी है वो PKR में दी जाएगी, और ये स्टैंडर्ड टाइप एम्प्लॉयमेंट है। ये लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप इस जॉब को मज़ीद रीड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको लेटेस्ट जॉब को मालूम करना है तो आप bookshop.pk को ज़रूर विज़िट करें, ये लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे ही आप इस लिंक को भी ओपन करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट जॉब्स यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ से इनको रीड कर सकते हैं। और यहाँ कैटेगरी का भी ऑप्शन मौजूद है, आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ से कैटेगरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जॉब टाइप फुल टाइम पार्ट टाइम वो भी आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोकेशन जहाँ की भी आप जॉब चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।